सब ठीक होंगे। रबी अव्वल का महीना है जैसे कि आप जानते हैं, और 12 रबी अव्वल इस बार संडे की है, ठीक है। अब दो अहम बातें मैंने आपको बतानी थी जो कि मैंने नोट की हैं। देखें, अगर रबी अव्वल पे आप केक का ऑर्डर दें तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिखवाएं, ना सब गुम्बद बनाएं, ठीक है, क्योंकि फिर आप छुरी चलाएंगे। समझे ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, अगर जुलूसों में जाएं तो जुलूसों में अगर ट्रक पे झंडा या सब गुम्बद ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको उतार दें, या फिर उस पर चढ़ें तो ऐसा चढ़ें कि आपके ना पाँव लगें ना, मतलब आप उसका एहतराम करें। सही, एहतराम सबसे पहले है। अगर सब, क्योंकि मैंने नोट किया होता है कि सब गुम्बद या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि झंडा, ज़्यादातर झंडा होता है जो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या दुरूद शरीफ सब गुम्बद कुछ बना हुआ, उस वो ट्रक की साइडों में होता है। सही है, लेफ्ट राइट या बम्पर पे होता है, आपने भी नोट किया होता है। और लोग ट्रकों की छतों पे, जो उसके ड्राइवर होता है उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं, और पास टाइम वो किसी के पाँव लग रहे होते हैं। इन चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसको समझाएं, मना करें, ठीक है। और नहीं तो यार आप झंडा उतार लें, या झंडा उतार लें, या फिर लोगों को मना करें कि इस पर ना चढ़ें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे माइक भी होता है, तो माइक पे आप एक दफ़ा समझा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक एक को रोकेंगे तो लोग कुछ गलत ही मतलब समझेंगे, क्योंकि आप एक एक को तो समझा नहीं सकते, क्योंकि अच्छे खासे लोग होते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद होती है, और आप एक एक को समझाएंगे तो अगर जिसके पास अगर माइक है तो उसको आप ये कह दें कि ये ऐलान कर लें, क्योंकि लोग इस चीज़ का एहतराम करें, क्योंकि इससे ये गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह भी है, और इस चीज़ को इंसान को समझना भी चाहिए कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुलूसों में ना जाएं, कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों का एहतराम करें। केक का भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप केक ना काटें, केक काटें, मिठाई बांटें, लंगर करें, जो आप अपने मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं आप अपने अंदाज से करें, मगर इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो मैंने कहा कि केक पे सब गुम्बद या ऐसी कोई चीज़ ना बनाएं, फिर आप उस पर छुरी चलाएं, और दूसरा ये कि अगर ट्रकों पे या कहीं पे भी ऐसी, मैं ट्रक की बात नहीं कर रहा, मतलब ये जनरल बात करूँगा, अगर ऐसी जगह पे हो जिस पे झंडा नीचे बम्पर के, अक्सर मैंने देखा होता है कि बम्पर के पर बंदा होता है, आपने भी नोट किया होगा, फिर लोग ट्रकों के छतों पे चढ़ रहे होते हैं, इन चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर नहीं तो आप ये झंडा उतार दें, अगर झंडा नहीं उतार सकते तो आप लाउड स्पीकर पे इसका ऐलान कराते तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आज ये दो अहम बातें मैंने आपको बतानी थी कि, और ये लोगों को आगाह करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, अगर ये आप देखें तो इसको रोकें। अगर कोई ऐसी गलती कर भी रहा है तो वो अनजाने में हो रही है, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करेगा। आप हमारा, आप सबका ये फ़र्ज़ है कि अगर ये चीज़ देखें तो इसको ज़रूर रोकें, लोगों को समझाएं, इस चीज़ का आगाह करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।